हेलो गाइस, तो हम अब करने वाले हैं अपना तीसरा एग्जाम्पल इफ एल्स लेटर के ऊपर। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, तीसरा एग्जाम्पल मेरा कहता है हमको एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, एक कैरेक्टर हमको इनपुट लेना है और चेक करना है वो कैरेक्टर मेरा अल्फ़ाबेट है या फिर डिजिट है या फिर स्पेशल सिंबल है। अब यह स्पेशल सिंबल क्या होता है, तो आपको कीबोर्ड पर जो नंबर दिख रहा होगा वहाँ से नंबर हटा दीजिए, अल्फ़ाबेट हटा दीजिए, तो जो नंबर बचा हुआ है मेरा स्पेशल सिंबल है। ठीक है, तो कीबोर्ड पर तीन टाइप का नंबर होता है, पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा का न्यूमेरिक कैरेक्टर जो भी हम 1 2 3 4 9 तक होता है, 0 तक, 0 इंक्लूडेड। ठीक है, और उसको छोड़ के जो बचा वो मेरा क्या होता है, वो मेरा स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्काई वैल्यू का मदद लेंगे, तो स्काई वैल्यू का मदद लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्काई वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, तो मेरा 0 का स्काई वैल्यू मेरा 48 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 9 का मेरा क्या हो जाता है, 57 हो जाता है। 48 यहाँ पे ऐसे गिनिएगा, अगर नहीं आता है तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा हो गया। अब 48 के बाद एक बढ़ाते जाइए, तो ये 49 50 51 52 53 54 55 56, ये मेरा 56 और ये मेरा 57। तो ये मेरा 0 से 9 तक का इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, 48 से लेकर 57 तक। ठीक है, वैसे ही कैपिटल ए का मेरा होता है 65, कैपिटल ए का मेरा 65 होता है, और यहाँ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरा कैपिटल जेड का मेरा हो जाता है 90। ठीक है, और वैसे ही स्मॉल ए का क्या होता है, स्मॉल ए का मेरा होता है 97 और स्मॉल जेड का मेरा पास होता है 122। ये मेरा इसका वैल्यू था, इसका हम बता देंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं गाइज, मेरा कैपिटल ए का होता है 65 और कैपिटल जेड का होता है 90। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू का मदद लेंगे और इसके हिसाब से हम ये चेक करेंगे कोई कैरेक्टर मेरा अल्फ़ाबेट का है या फिर नंबर का है या फिर स्पेशल सिंबल है यूजिंग इफ एल्स लेटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड लगाते हैं, तो लगाते हैं गाइज हैशटैग इंक्लूड, तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, उसका यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, नीचे में रिटर्न 0 लिख देंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले एक कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, तो कैर यहाँ पे मान लेते हैं कैरेक्टर का ch मान लेते हैं नाम। अब यहाँ के भाई क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट लेने के लिए एक मैसेज पहले प्रिंट कर देंगे, तो पता चल जाए यूजर को जो हमको इंटर क्या करना है। तो यहाँ पे करेंगे इंटर कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैन एफ, यहाँ पे हम परसेंटेज सी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर का बात चल रहा है, तो करेक्टर का बात चल रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज सी जो कि फॉर्मेट स्पेसिफाई और मेरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट भी ले लिया, अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग इसका वैल्यू का करेंगे, तो इसका वैल्यू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, इफ, अब इफ में यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, क्या मेरा सी एच जो है, सी एच पहले हम 0 के लिए चेक करते हैं या फिर पहले अल्फ़ाबेट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी एच अगर मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 65 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 65 और लेस दैन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा वही 65 66 करते जाइएगा, ए बी सी डी करते जाइएगा, तो अपने पे तक पहुँच जाइएगा जेड तक। ठीक है, अब यहाँ पे एंड एंड क्या मेरा सी एच लेस देन इक्वल टू 90, ये चेक हम करेंगे, क्या मेरा करेक्टर जो है 65 से ज़्यादा और 90 से कम है, तो क्या होगा वो मेरा क्या होगा, कैपिटल ए बी सी डी मतलब कैपिटल अपर केस अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, अगर वैसे ही मान लेते हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट भी होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या होता है, दोनों में से कोई एक को ट्रू है तो मतलब ट्रू, दोनों ट्रू है तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक को ट्रू है तो ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल स्मॉल का अंतर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब उसमें अपर केस भी आ जाएगा लोअर केस भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पे अपर केस के लिए तक चेक कर लिए, अब यहाँ पे लोअर केस के लिए करेंगे, तो लोअर केस के लिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या 97 या 97 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे चेक, क्या मेरा सी एच इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 97 एंड एंड सी एच लेस दैन इक्वल टू क्या 120, तो ये मेरा 122। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब अल्फ़ाबेट मेरा नहीं है वो। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो अल्फ़ाबेट तो है, ये अलग बात है अपर केस लोअर केस होगा, लेकिन अल्फ़ाबेट तो है, तो हम अल्फ़ाबेट के लिए ये चेक कंडीशन लगा दें, कंडीशन अगर ये ट्रू होता है कोई एक ट्रू हो जाएगा तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे क्या, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट प्रिंट करवा दिए। ठीक है गाइस, वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ये तो चेक हो गया अल्फ़ाबेट के लिए, हो सकता है मेरा अल्फ़ाबेट इंटर ना किए हो सकता है कोई नंबर इंटर किया हो, तो अब नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, तो हम जब नंबर के लिए जाएंगे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पता चलेगा 48 और 57 के बीच में मेरा नंबर लाइक करता है, तो क्या करने कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे एल्स इफ मेरा कैरेक्टर ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 48
ये में सब मेरा क्या है, ये मेरा मेरा आस्क की वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये भी मेरा आस्क की वैल्यू लिखा हुआ है। ये कोई डेसिमल वैल्यू नहीं, ये मेरा आस्क की वैल्यू है जो इंटीजर में लिखा गया है, ठीक है। वैसे यहाँ क्या हो गया, हम चेक कर लें 48 से ज़्यादा है और 57 से कम है, तो मतलब नंबर क्या है। ताकि यहाँ पर देखिए, अगर 48 से 57 के बीच में सब न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे और चेक करेंगे मेरा क्या लेस देन इक्वल टू 57। तो ये मेरा क्या होगा, ऐसा अगर हो गया तो ये मेरा कोई न्यूमेरिकल का डेटा जाएगा। क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ नंबर, नंबर है मेरा, ठीक है, वो मेरा नंबर है। अगर मान लेते हैं ये क्या हुआ, मेरा अल्फ़ाबेट भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, तो जो बचा वो मेरा स्पेशल सिंबल है। तो इफ इल्स में क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इल्स में जो बची है वो मेरा क्या है, स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ क्या करा देंगे, प्रिंट स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल प्रिंट करवा देंगे और बात ख़त्म है मेरा। यहाँ पे क्या, हम इफ इल्स का जैसा कि पहले एग्जांपल में बताए होंगे सिंटैक्स, तो उसी सिंटैक्स के अनुसार इस पार्ट में क्या हम करवा दिए स्पेशल सिंबल। अगर अल्फ़ाबेट भी नहीं है, मेरा नंबर भी नहीं है, तो जो बच्चा से स्पेशल सिंबल है तो वही होगा। तो यहाँ पे क्या, उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न 0, उसके बाद यहाँ पे बंद। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं ताकि पता चल सके मेरा प्रोग्राम सही है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या करेंगे, शुरू करते हैं प्रोग्राम को रन कराना। तो क्या होगा, पहले एक वेरिएबल बनाएगा करेक्टर टाइप का, तो सी एच नाम का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। इंटर करेक्टर, करेक्टर मान लेते हैं हम इंटर किए, मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या स्मॉल इंटर कर दिए, मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटर कर दिए। उसके बाद क्या चेक होगा, स्मॉल ए का जैसा कि मान लेते हैं इसका वैल्यू मेरा क्या है, मान लेते हैं क्या हुआ है, तो यहाँ पे 97 है, तो यहाँ चेक होगा क्या 97 ग्रेटर देन इक्वल टू 65। तो हाँ 65 से तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जब चेक होगा 97 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 90, तो नहीं 90 से तो छोटा नहीं है, 90 से ज़्यादा है 97, तो क्या होगा, ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे और के बाद देखिएगा, यहाँ पे चेक होगा 97 ग्रेटर देन इक्वल टू 97, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, मतलब सही बात है, सही बात है। तो फिर से यहाँ पे चेक होगा 97 लेस देन इक्वल टू 120, तो हाँ 122 छोटा है 197, ठीक है। तो ये वाला ट्रू हुआ। और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में अगर दोनों में से कोनो एक ट्रू हो गया, दोनों में से कोनो एक ट्रू हो गया, तो क्या होगा, दोनों में से कोनो एक ट्रू हो गया तो मेरा ट्रू, तो मान लेते हैं वो ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल मेरा ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो मेरा ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा और मेरा अल्फाबेट प्रिंट कर देगा, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं क्या, इनपुट लेते हैं 7, इनपुट हम ले लिया क्या 7, तो 7 जब हम लेंगे, तो 7 यहाँ पे लेंगे, तो 7 का इसका वैल्यू क्या मेरा 55 है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए चेक होगा क्या मेरा 55 ग्रेटर देन, यहाँ पे 55 ग्रेटर देन 65, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये भी ट्रू नहीं हुआ, अगर दोनों में से ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला नहीं चलेगा। और यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे 55 मेरा क्या है 48 से ज़्यादा, तो हाँ ज़्यादा है, 57 से कम है, तो हाँ 57 से कम है, तो नंबर मेरा प्रिंट कर देगा। वैसे ही मान लेते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद कोई भी सिंबल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं @ हम ले लिए, @ हम इसमें इंटर कर दिए, तो क्या होगा, @ का मान लेते कोई भी इसका वैल्यू होगा, कोई भी इसका वैल्यू है, लेकिन इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में तो नहीं होगा, तो अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ, ये भी ट्रू नहीं होगा, तो मेरा एज वाला पार्ट चल जाएगा और स्पेशल सिंबल प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यही था मेरा तीसरा एग्जांपल। तो ये हो गया, आई थिंक इतना समय, इतना एग्जांपल में आपको क्लियर हो गया होगा इफ एल्स लेटर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।